वीरेंद्र कुमार शर्मा आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ आबू पर्वत। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था रचना अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज हम मिश्र वाक्य के अंतर्गत आने वाले आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य और फिर आश्रित उपवाक्य के भेद विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं मिश्र वाक्य वह वाक्य जिसमें एक वाक्य प्रधान व अन्य वाक्य उस पर आश्रित होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, यानी एक वाक्य उसमें प्रधान होता है, मुख्य होता है, दूसरा उस पर निर्भर होता है, यानी एक स्वतंत्र और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब विषय होता है कौन सा वाक्य स्वतंत्र है यानी प्रधान है, मुख्य उपवाक्य है, और कौन सा वाक्य उस पर आश्रित उपवाक्य है। तो सामान्यतया योजक शब्द द्वारा यानी व्यधिकरण योजक शब्द द्वारा जो शब्द जुड़ा रहता है यानी योजक शब्द के बाद वाला जो वाक्यांश होता है वह प्राय आश्रित उपवाक्य होता है और उस वाक्य का अन्य जो शेष भाग होता है वह प्रधान उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। आश्रित उपवाक्यों के अंतर्गत तीन भेद आते हैं, यानी प्रधान उपवाक्य के कोई भेद नहीं होते लेकिन उसके अंदर आने वाले आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हुआ करते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा का काम करते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में संज्ञा उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जो प्रधान वाक्य के कर्ता कर्म या पूरक के समानाधिकृत होते हैं, यानी उनका कार्य करने में सक्षम होते हैं। यदि हम पहचान के रूप में देखें तो प्राय की योजक शब्द का प्रयोग होता है, यानी यदि की योजक शब्द से कोई वाक्य जुड़ा हुआ है तो की के जो बाद वाला जो वाक्यांश होगा वो आश्रित उपवाक्य होगा और आश्रित उपवाक्य में वह संज्ञा उपवाक्य के नाम से जाना जाएगा। दूसरी पहचान प्रधान वाक्य की क्रिया में प्रश्न लगाकर यानी प्रश्न लगाकर नहीं प्रश्न बनाकर, यानी प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया है उसमें यदि हम क्या लगाकर प्रश्न बनाते हैं और यदि उसका उत्तर आश्रित उपवाक्य निकलता है तो वह वाक्य संज्ञा उपवाक्य होगा। ये इस प्रकार से संज्ञा उपवाक्य पहचानने के दो तरीके हो गए। उदाहरण के लिए पिताजी ने कहा कि वे कल नौकरी पर नहीं जाएंगे, जैसा कि हमने कहा व्यधिकरण योजक की के बाद वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य हुआ। अब इस आश्रित उपवाक्य को पहचानने के लिए जो हमने दोनों तरीके बता रहे हैं दोनों ही तरीके इस पर पूर्णतः सिद्ध होते हैं। जैसे प्रधान उपवाक्य है पिताजी ने कहा, तो पिताजी ने क्या कहा क्या लगाकर प्रश्न बनाने पर उत्तर निकलता है, पिताजी ने क्या कहा कि वे कल नौकरी पर नहीं जाएंगे, इसलिए यहां पर संज्ञा उपवाक्य हो। दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य, जो मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा पद की विशेषता बताता हो उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य की पहचान के लिए ऐसे उपवाक्य जो जिसो जिसे जो आदि योजक शब्दों द्वारा जुड़े हुए होते हैं वे विशेषण उपवाक्य होंगे। पहचान नंबर दो के लिए हम कर सकते हैं विशेषण उपवाक्य को पहचानने के लिए उस वाक्य का जो
स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य है, उस प्रधान उपवाक्य में कौन सा और कौन से जैसे शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो वह विशेषण उपवाक्य होगा। उदाहरण के लिए, पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था, स्वतंत्र उपवाक्य है, पिताजी ने मकान बेच दिया, क्योंकि जो के बाद वाला जो वाक्य होगा वो आश्रित उपवाक्य है। तो जैसे ही हम इसमें प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न बनता है पिताजी ने कौन सा मकान बेच दिया, उत्तर निकलता है जो पुराना हो गया था। इस प्रकार ये यहां पर विशेषण उपवाक्य हुआ। तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, पहचान के अंतर्गत ये आश्रित उपवाक्य जब वो जहां जैसा ज्यों क्यों आदि योजक शब्दों से प्रारंभ होते हैं, और यदि हम प्रधान उपवाक्य की या मुख्य उपवाक्य की क्रिया में कब कहां कैसे कितना और क्यों आदि से प्रश्न बनाते हैं और हमें उसका उत्तर यदि आश्रित उपवाक्य के द्वारा मिलता है तो ऐसा आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। उदाहरण के लिए, जब मैं विद्यालय पहुंचा तब प्रार्थना हो रही थी। जैसा कि मैंने कहा, जब मैं विद्यालय पहुंचा, यह आश्रित उपवाक्य हुआ क्योंकि ये जब व्यतिकरण योजक शब्द से जुड़ा हुआ है, इसका शेष भाग प्रधान उपवाक्य हो गया। अब जब इसमें प्रधान उपवाक्य में हम इनमें से प्रश्न बनाते हैं तो यहां पर जो सटीक प्रश्न बनता है वह बनेगा जब मैं विद्यालय पहुंचा, यानी मैं विद्यालय कब पहुंचा, यानी मुख्य वाक्य जो है उसकी क्रिया में जब लगा प्रश्न बनाते हैं तो मैं विद्यालय कब पहुंचा, उत्तर निकल के आता है तब प्रार्थना हो रही थी। इस प्रकार ये यहां पर क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ।